टीचिंग लर्निंग मटेरियल की बात की। अब टीचिंग लर्निंग मटेरियल के बाद हम लोग ये हम एज्यूम करते हैं कि आज जिस सब्जेक्ट मैटर को हम पढ़ाने वाले हैं उस सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड बच्चे के पास ये प्रीवियस नॉलेज ऑलरेडी है। हमने पोल्यूशन की बात की थी, पोल्यूशन में बच्चे को ये आता है कि सपोज बच्चा यदि रिवर के पास में रहता है तो अक्सर बच्चे यदि कभी देखे हैं या जाते हैं रिवर बैंक के आसपास तो अक्सर कुछ लोगों को साबुन लगा करके नहाते हुए देखते हैं या फिर किसी कोई छोटी जो ड्रेन है वो हमने नाली रिवर में डायरेक्ट गिरते हुए देखते हैं। तो ये बच्चों के पास छोटी सी इन्फॉर्मेशन है या बच्चे जो एक आप मिट्टी यदि हम पानी में मिला दें तो बच्चों को मालूम है कि पानी उससे गंदा हो गया। ये उसके पास एक ऐसी नॉलेज है जो कि उस सब्जेक्ट मैटर जिसे हम आज पढ़ाने वाले हैं उससे रिलेटेड है। तो ये हम मानते हैं कि ये प्रीवियस नॉलेज उस स्टूडेंट के पास है या उस ग्रुप के पास है जिस ग्रुप को हम आज पढ़ाने चाहते हैं। इसे हम एक स्टेटमेंट फॉर्म में देते हैं कि इस टारगेट ग्रुप के पास ये प्रीवियस नॉलेज अभी है। एक हम मानते हैं कि भाई यदि हम बच्चे को मल्टीप्लीकेशन सिखा रहे हैं तो मल्टीप्लीकेशन सिखाने से पहले बच्चे को हम ये मानते हैं कि भाई मल्टीप्लीकेशन यदि हम आज किसी क्लास में सिखा रहे हैं तो बच्चा इससे पहले वाली क्लास में एडिशन सीख चुका है तो वो हमारी एक प्रीवियस नॉलेज हो गई। यदि हम मल्टीप्लीकेशन हायर मल्टीप्लीकेशन सिखा रहे हैं, टू डिजिट का मल्टीप्लीकेशन सिखा रहे हैं, इट मीन्स उसके पास प्रीवियस नॉलेज है कि वो वन डिजिट का मल्टीप्लीकेशन कर पा रहा है। तो यदि आज का मेरा टॉपिक टू डिजिट का मल्टीप्लीकेशन सिखाना है तो प्रीवियस नॉलेज में उस बच्चे के पास प्रीवियस नॉलेज ये है कि वो बच्चा वन डिजिट का मल्टीप्लीकेशन आसानी से कर पा रहा है। सो इसको हम एक स्टेटमेंट फॉर्म में देंगे तो स्टूडेंट टीचर या जो पीपल है जो स्टूडेंट है will be able to understand या उसके पास he is having a particular information about one digit multiplication or basic information about how he can pollute the water, ये basic information उसके पास है। तो ये हम एक statement form में उस student को या उस classroom में ये मानते हैं कि एक majority of group के पास ये particular knowledge पहले से है। We'd like to tell our viewers that if they want to contact us regarding any of their queries or if they want to share any information regarding this topic, they can call us at our toll free number 1-800-11-2008. Our phone number is 265-11-613 and our fax number is 265-11-609. Moving back to the conversation. देखिए previous knowledge को जब हमने डिजाइन किया, प्रीवियस नॉलेज को हमने माना कि ये बच्चे के पास इन्फॉर्मेशन पहले से है, अब हमें उस प्रीवियस नॉलेज के बेस पर हमें कुछ इंट्रोडक्टरी लेसन्स बनाने होते हैं। नाउ इंट्रोडक्शन हमें उसे देना है कि क्या हम उसको पढ़ाना चाहते हैं। तो जितने भी प्रीवियस नॉलेज उसके पास है उसको बेस बना करके हम बच्चे से कुछ क्वेरीज करते हैं। नाउ क्वेरीज करने का जो बेसिक पर्पज है उस बच्चे को अटेंटिव करना है, उसे बच्चे को एक जगाना है कि नाउ कम टू द पॉइंट, कम टू द सब्जेक्ट मैटर नाउ। ये जो क्वेश्चंस होते हैं इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस, हम नंबर की बात करें तो हम इंट्रोडक्शन में तीन या चार या दो या तीन की संख्या में इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस को रख सकते हैं। और जितने भी क्वेश्चंस को हम रखते हैं ऑब्वियसली क्योंकि स्टूडेंट्स उसे जानता है, उस पर्टिकुलर चीज के बारे में उसको इन्फॉर्मेशन है, तो हम इनिशिएट करते हैं कि जो बच्चा जान रहा है तो उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन किया। लाइक वन डिजिट के मल्टीप्लीकेशन के बारे में क्वेश्चन किया, व्हाट इज 4 मल्टीप्लाई बाय 2, बच्चा आंसर दे पाया। राइट, नाउ अगेन हमने कहा कि हम आज 2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन पढ़ाने जा रहे हैं, क्वेश्चन हमने इनिशिएट किस चीज से किया कि 1 डिजिट का एक क्वेश्चन उससे पूछ लिया। नाउ उससे हायर एक वर्जन पे गए और हायर वर्जन पे हमने एक प्रॉपर एक प्रोसेस में हमने पूछा कि 9 मल्टीप्लाई बाय 2 व्हाट विल द आंसर, 9 मल्टीप्लाई बाय 9 व्हाट विल बी द आंसर, ये उसका हायर उसने आंसर दिया कि दिस विल बी द आंसर। नाउ विल आस्क अ क्वेश्चन व्हिच विल बी रिलेटेड टू टुडेस टॉपिक, लाइक वी कैन आस्क व्हाट विल बी 12 मल्टीप्लाई बाय 2। अब ये जो पर्टिकुलर नॉलेज है ये क्योंकि बच्चे को नहीं आती, सो दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी अ प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन फॉर हिम और हर फॉर आर स्टूडेंट। अब
यही हमारा बेस है स्टूडेंट को ये रिवोक मतलब एक जगाने का कि नाउ कम टू द पॉइंट, हैंस ये चीज हमें नहीं पता है, आज हम इसी चीज के बारे में डिस्कस करेंगे. नाउ जैसे ही हमने उस थर्ड क्वेश्चन या फोर्थ क्वेश्चन के बारे में बच्चे से पूछा, विच इज अ प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन बिकॉज स्टूडेंट्स आर फेसिंग प्रॉब्लम इन आंसरिंग दैट क्वेश्चन, दैट इज अ प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन. सो नाउ वी विल गिव अ स्टेटमेंट दैट ओके टुडे वी विल डिस्कस और टुडे वी विल डिजाइन, टुडे वी विल डू दिस थिंग, दैट वी विल लर्न दिस थिंग दैट हाउ टू डिजिट मल्टीप्लीकेशन विल टेक प्लेस, कैसे ये दो डिजिट का मल्टीप्लीकेशन होगा, ये आज हम इस क्लासरूम में डिस्कस करेंगे. सो दिस इज स्टेटमेंट ऑफ एम, क्या हम आज क्लासरूम में डिस्कस करने वाले हैं. जब हमने उसके साथ में डिस्कस कर लिया कि क्या हम आज डिस्कस करने वाले हैं, नाउ आवर प्रेजेंटेशन विल स्टार्ट. प्रेजेंटेशन इन द सेंस अब हमारी स्टूडेंट के साथ वो इंटरेक्शन स्टार्ट होगा जहां पर हम ये बात करेंगे कि ओके एक एक्सरसाइज ली जाएगी, एक्सरसाइज को बेस बना करके हम उससे क्वेश्चंस करेंगे. हमने एक चीज डिस्कस की, हमने ट्रायंगल के जो सम है एंगल है उनके सम को डिस्कस करना है, तो हम उन्हें अलग अलग एग्जांपल देना शुरू करेंगे. नाउ आई विल से अ पर्टिकुलर नॉलेज, आई विल से अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट अबाउट एनीथिंग एंड बच्चे उस पर कुछ रेस्पॉन्स करेंगे. नाउ उसके रेस्पॉन्स के आधार पर मैं फिर एक अपनी एक कुछ एक्टिविटी करूंगा और ये एक्टिविटी, ये इंटरेक्शन और स्टूडेंट का रेस्पॉन्स एक कंटिन्यूस प्रोसेस में चलेगा और कई जो टाइमिंग है वो इसमें कंज्यूम होगा और सब्जेक्ट मैटर जो होगा वो बच्चे अंडरस्टैंड करेंगे. अल्टीमेटली जो ऑब्जेक्टिव्स हम कर रहे हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हमने डिजाइन किए हैं, वो इसी कन्वर्सेशन में जो स्टूडेंट और एक टीचर के बीच में चल रहा है, जिसे हम प्रेजेंटेशन का नाम दे रहे हैं, धीरे धीरे करके उस इंट्रैक्शन के साथ में वो सब लोग इस चीज को सीखेंगे और उस ऑब्जेक्टिव को अटेन करेंगे. सो ये हमारे सब्जेक्ट मैटर का द सबसे बड़ा पार्ट होता है जिसके अंदर हम लोग वर्ड टू वर्ड मतलब क्या चीजें क्या हम डिस्कस करेंगे, किस मेथोडोलॉजी को हम फॉलो करने वाले हैं, एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन हमने दे रहे हैं तो उसका प्रॉपर मेथड क्या होगा, स्टूडेंट से कौन सा प्रोबेबल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्टूडेंट उसका क्या प्रोबेबल आंसर दे सकते हैं, ये सब चीजें हम उस प्रेजेंटेशन के अंदर इंक्लूड करते हैं. और जब ये हमने डिस्कस कर लिया तब हम साथ ही साथ में एक जो ऑब्जेक्टिव थे उसमें इवेल्युएशन ऑब्जेक्टिव भी है और उसी के साथ हम इवेल्युएशन को भी साथ साथ चलाते हैं. लाइक हमने एक टॉपिक डिस्कस किया कि हम दो डिजिट का मल्टीप्लीकेशन सिखाना चाहते हैं. ना दो डिजिट का मल्टीप्लीकेशन 12 मल्टीप्लाई बाय 2 भी दो डिजिट का मल्टीप्लीकेशन है और 12 मल्टीप्लाई बाय 10 इज ऑल्सो टू डिजिट मल्टीप्लीकेशन. तो इसको हम यदि हम प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, हमारा जो प्रस्तुतिकरण चल रहा है लेसन प्लान के अंदर, तो मेजरली हम टू यूनिट्स में इसको बांट सकते हैं. पहली यूनिट हमने डिस्कस की बच्चों से जो इंटरेक्शन किया वो ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस किया जो 12 मल्टीप्लाई बाय 1 डिजिट है. अब इस टॉपिक को जब तक हमने क्लियर किया, बच्चों को समझ में आया और उसी के साथ में हमने बच्चों से इवेल्युएट किया कि कुछ एग्जांपल्स दिए उनको, बच्चों ने उनको सॉल्व किया और आंसर आया. तो आंसर आने के बाद हमने उसके साथ में ये डिस्कस किया है कि भाई अब ये क्वेश्चन है आपके सामने, नाउ यू डिस्कस, नाउ यू टेल दिस थिंग, ये कैसे होगा या उसका क्या आउटकम निकलने वाला है. नाउ अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है इवेल्युएशन के कि हमने अभी जो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव बनाया है वो अचीव हुआ या नहीं. अभी शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव था कि क्या टू डिजिट से वन डिजिट के जब मल्टीप्लाई हो रहा है तब बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं. बच्चों को यदि टू डिजिट से मल्टीप्लीकेशन वन डिजिट का जो होने वाला है यदि वो समझ में आ गया, हमने इवेल्युएशन करके ये बिल्कुल फाइनल कर लिया, हमने मान लिया कि नाउ स्टूडेंट के कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हैं, वो चीज डिस्कस करने के बाद तब हम इवेल्युएट करेंगे. इवेल्युएट करने के बाद तब हम डिस्कस कर लेंगे कि क्या हम सेकंड यूनिट पे जाते हैं या नहीं. हमारा जो सेकंड कंपोनेंट है, सेकंड कंपोनेंट डिस्कस होगा जो 12 जो डिजिट है या टू डिजिट का मल्टीप्लीकेशन अगेन विद टू डिजिट. राइट, तो ये मल्टीप्लीकेशन को हम फिर
इवेल्युएट करेंगे कि क्या हमने अचीव किया या नहीं किया, राइट तो ये हमारे रहेंगे कि हम प्रेजेंटेशन में किस तरह से बच्चों को बता पा रहे हैं। टीचर एक एक्टिविटी करेगा, उसके ऊपर बच्चा एक रिस्पॉन्स देगा और साथ ही हम उसका इवेल्युएट कर पाएंगे। ठीक है सर, तो हम बेसिकली इसमें पूरा एक हम अपना वो बना लेते हैं कि यहाँ पे ऐसे है, इधर ऐसे है, मतलब पूरा हम सिस्टम एक सिस्टम बना लेते हैं जी। और एक ऑर्डर उस हिसाब से ही हम लोग चलते हैं जी। ओके, तो टिल नाउ वी वर डिस्कसिंग अबाउट द प्रेजेंटेशंस, द प्रीवियस नॉलेज, दीज वर द टॉपिक्स वी वर डिस्कसिंग अबाउट। वील फर्दर कंटिन्यू आर डिस्कशन आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। The state of knowledge exists. The will, the capacity, and method are usually the problem. मानसिक मंदता एक ऐसी विकलांगता है जो 18 वर्ष की आयु से पूर्व कभी भी हो सकती है, जिसमें व्यवहार अनुकूलता में कमी एवं बुद्धि क्षमता 70% से कम होती है। Alone we can do so little. Together we can do so much. भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा देश भर में पंजीकृत केंद्र इस बात को प्रमाणित करते हैं। NIMH प्रादेशिक केंद्र नई दिल्ली एक ऐसा ही केंद्र है जहां छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाता है। जिसके उपरांत वे मंद बुद्धि बच्चों की सेवा में नियुक्त होते हैं। क्लासरूम टीचिंग, ग्रुप टीचिंग एवं भारतीय पुनर्वास परिषद के नव शिखर चैनल पर प्रसारित टेलीकॉन्फ्रेंसेस द्वारा संबंधित विषयों पर विस्तार पूर्वक ज्ञान दिया जाता है। मेडिकल, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, साइकोलॉजी और स्पेशल एजुकेशन जैसे क्षेत्रों में छात्रों को प्रशिक्षित किया जाता है। प्रयोगात्मक अनुभव एवं अभ्यास के लिए टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के उपरांत छात्रों को मंद बुद्धि बच्चों के साथ कक्षाओं में नियुक्त किया जाता है और इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान का भी आधार बनाया जाता है, जिससे वे संपूर्ण शिक्षा एवं चिकित्सा शैली को समझ सकें। इस पूरे प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थी जर्नल्स, न्यूज़लेटर्स, पीरियोडिकल्स, चार्ट्स, मॉडल्स, कंप्यूटर ट्रेनिंग एवं टेक्स्ट बुक्स का उपयोग कर सकते हैं। कहते हैं, कीप योर फेस टू द सनशाइन एंड यू कैन नॉट सी द शेडो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों को सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं में नियुक्त किया जाता है, जहां वे मंद बुद्धि बच्चों के लिए निरीक्षण, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान का दायित्व संभालते हैं और इसके पश्चात ये विद्यार्थी इस प्रशिक्षण का उपयोग मंद बुद्धि बच्चों के सामाजिक एवं शैक्षणिक उत्थान एवं विकास में करते हैं और एक लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। और फिर लक्ष्य कितना ही दूर हो, फासला नजरों का धोखा भी तो हो सकता है, वो मिले या ना मिले हाथ बढ़ाकर देखो।
welcome back after the break. Before going on to the break, we were discussing about the presentation. Under presentation, we discussed about 4 points: the teaching point, the teacher's activity, the children's activity, and the evaluation. Moving back to our discussion, sir, what do we evaluate? What is evaluation? See, जो हमने क्लासरूम में डिस्कस किया है, हमने एक टीचिंग पॉइंट बनाया था कि हम 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन 1 डिजिट से करने जा रहे हैं. उसके लिए हमने कुछ टीचर्स एक्टिविटी की, साथ ही हमने उसमें कुछ स्टूडेंट का रिस्पांस भी देखा. हमने उनको एक्सरसाइजेस दिया और एक्सरसाइज करने के बाद ये एवेल्युएट किया कुछ क्वेश्चंस के थ्रू कि वेदर वो स्टूडेंट उनको लर्न कर पाया नहीं कर पाया, या फिर वो कॉन्सेप्ट जो 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन 1 डिजिट से है, क्या उसका कॉन्सेप्ट बच्चों को आ पाया कि नहीं, क्या वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ पाई है कि नहीं. तो इसके लिए हम शॉर्ट जो इवेल्युएशन मेथड है कि हम एक एक्सरसाइज दे करके या फिर कुछ ऐसी क्वेश्चन कर करके एक स्मॉल इवेल्युएशन हम उसी टीचिंग ऑब्जेक्टिव में ये जो टॉपिक है हमारा उसमें डाल देते हैं. और जो पॉइंट्स हैं टीचिंग पॉइंट्स, यदि हमारे पास मोर देन 1 पॉइंट्स हैं तो इवेल्युएशन का एक सीधा रीजन ये होता है कि हम जैसे ही हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा और हमने इवेल्युएशन में देख लिया कि हमारा अचीव हो गया है, देन ओनली वी कैन गो टू द टीचिंग पॉइंट नंबर 2. इट मींस हमने 2 डिजिट बाय 1 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करा दिया, बच्चों ने सीख लिया कि 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन 1 डिजिट से कैसा हो रहा है. ये करने के बाद जब तक बच्चा उसमें एक्सपर्ट नहीं हो जाता, जब तक उसके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर नहीं हो जाते, तब तक हम लोग उस स्टूडेंट को 2 डिजिट विद 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन पे स्विच ऑन नहीं करते, स्विच ओवर नहीं करते हैं. बेसिकली जैसे अगर हमारा एक स्कूल में टेस्ट होता है या हमारे कॉलेजेस में टेस्ट होते हैं, तो वो इवैल्यूएशन एज इन होता है. राइट, बट ये वो इवैल्यूएशन आपका एक लंबे टाइम गैप के बाद है, आपको ऑब्जेक्टिव उसमें ज्यादा बड़े हैं और वो ऑब्जेक्टिव आपने अचीव किए कंटिन्यूस क्लासेस के बाद. यहाँ पर हमारे शॉर्ट टर्म जो ऑब्जेक्टिव जो क्लासरूम में बने हुए हैं उसके लिए हमने ये डिजाइन किया हुआ है कि अभी अभी जो हमने पढ़ाया, आज हमारा अभी टॉपिक ये था, उसके बाद ये आउटकम निकल करके आया है कि बच्चे 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन 1 डिजिट से सीख रहे हैं. नाउ वी कैन प्रोसीड फर्दर ऑन 2 डिजिट विद 2 डिजिट. और यदि उसके बाद अपने पास कोई और टॉपिक भी है तो हम लोग जब तक ये क्लियर नहीं होता कि बच्चे 2 डिजिट विद 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन सीख गए हैं, देन ओनली वी कैन प्रोसीड फर्दर. अदरवाइज हम अपनी उस टीचर एक्टिविटीज को, स्टूडेंट रिस्पॉन्स को तब तक रिपीट करते हैं जब तक हम इवेल्युएशन से ये चीज पता नहीं कर लेते कि वो स्टूडेंट वो मल्टीप्लिकेशन सीख गया है कि नहीं सीख गया है. तो सर, जैसे हम बात करते हैं एक स्टूडेंट्स एक्टिविटी की, तो अगर एक रिस्पॉन्स या एक्टिविटी नेगेटिव आ रहा है टुवर्ड्स टीचर, या जो टीचर ने एक्सपेक्ट किया था रिस्पॉन्स वो वैसा नहीं आ रहा है, तो क्या टीचर को अपनी एक्टिविटी, अपनी टीचिंग पैटर्न चेंज करने पड़ते हैं? देखिए, 2 चीजें हैं इसके अंदर. पहली बात तो है कि जितनी भी हमने ये बनाया हुआ डिजाइन किया हुआ है लेसन प्लान, ये एक एज्यूम्ड सिचुएशन है. क्लासरूम में हम ये करेंगे तो ये पॉसिबिलिटी है कि बच्चे स्टूडेंट इस तरह का रिस्पॉन्स करेंगे, तो ये एक सिमुलेटेड टाइप का है. हमने पहले से डिजाइन कर लिया, एज्यूम कर लिया कि हम ऐसा करेंगे. जो क्लासरूम में एक्टिविटी चलती है वो थोड़ा सा डिविएट हो सकती है. हो सकता है स्टूडेंट जो आप डिजायर्ड आंसर उनसे पाना चाहते हैं वो आपको नहीं मिला, उसमें हो सकता है कुछ चेंज आया हो, बट उस चेंज की वजह से हम लोग इंटायरली अपने प्लान को चेंज नहीं करते. एक्चुअल में हमने वो जो डिजाइन किया कि स्टूडेंट ये आंसर देने की स्थिति में होंगे और ये सब चीजें, ये सब जो हम डिजाइन कर रहे हैं कि स्टूडेंट ये जवाब दे सकते हैं, ये जवाब दे सकते हैं, ये अल्टीमेटली जो लेसन प्लान का जो सबसे प्रीवियस जो पार्ट है उसमें हमने पहले से डिस्कस किया हुआ, पहले से माइंड मेकअप किया हुआ है, क्योंकि स्टूडेंट की एज ये है, स्टूडेंट का ग्रुप ये है, स्टूडेंट के पास प्रीवियस नॉलेज ये है, तो ये सब बातों को हमने अपने दिमाग में रखकर ही एक बनाया है सेट, की एक क्वेश्चन बनाया, उस क्वेश्चन का प्रोबेबल आंसर ये स्टूडेंट देंगे. तो ये प्रोबेबिलिटी कभी कभी अक्सर ये देखा जाता है कि कभी कभी ये पॉसिबल है कि बच्चे वो चीज नहीं बता पाते जो हमने उसमें लिखी हुई है. तो हमें बहुत डिविएट होने की जरूरत नहीं है. स्टूडेंट जरूरी नहीं है कि हम केवल वही उसी पर्टिकुलर मैनर में उस आंसर को दें. कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज मस्ट. यदि वो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हो सकता है उसका वे ऑफ एक्सप्रेशन उस रेस्पॉन्स का थोड़ा सा बदल जाए. राइट, ओके. सो इन टुडेज डिस्कशन वी डिस्कस्ड अबाउट व्हाट इज अ लेसन प्लान. अ लेसन प्लान इज अ सिस्टमेटाइज्ड वे ऑफ वर्किंग फॉर अ टीचर.
how she makes a method or a process of teaching a special child or a regular child. There are different points that are included in a lesson plan. Some of them are like the time, the duration of the class, the number of children, the age limit. These are the preliminary points. Then we move on to the objectives, that are the general objectives and the specific objectives. Under specific objectives, there are three further points, that is the knowledge, the understanding, and then we have the application. These are the objectives of the lesson plan. Then we have the different types of teaching material. Teaching material is the different kind of objects or the different kind of methods that we apply while we teach the child. Then we move on to the previous knowledge, to what the child knows, how much he has already learned. These were the basics of a lesson plan. We'd like to thank sir for sharing their valuable time and knowledge with us. Thank you. That's all for our today's conference. I hope you liked the show. Thank you for watching us.